जिन्होंने इन लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने के बाद वहां की आर्मी अपनी कमान संभाली और इन लोगों के साथ जो करना था वो किया और इसके बाद ये लोग देश छोड़कर भागे। अब समस्या आती है कि जो संत है हमारे उनका ये योगदान इसमें विशेष होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विरोधी ने वहां ये दिया उसी तरह से हमारे संत को यहाँ ये करना चाहिए। रोहिंग्या 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके और आते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है मुसलमानों की वो उनको समर्थन करती है और कहती है कि हम जो है सारा व्यवस्था करके सारा बिजली पानी और टैक्स देते हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार जब आर्टिकल 35 पर विरोध करती है तो ये लोग बहुत विरोध करते हैं उसका, और विरोध करने में ये फंसाते हैं वहाँ और खुद ही धारा 370 का वायोलेशन करते हैं। ताकि हमारे कश्मीरी विस्थापित है उनको ये किया जा सके, बताया जा सके। धन्यवाद।